एंड नाउ इट इज़ टाइम टू लुक एट इंडिविजुअल फाइलम्स अब हाइलम के डिटेल डिस्क्रिप्शन को देखेंगे इस वीडियो में हम दो फाइलम्स कवर करेंगे द फर्स्ट वन इज़ पोरिफेरा एंड अदर वन इज़ सिलेंट्रिटा और नाइडेरिया सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और डेफ तक पढ़ना चाहते हैं सो एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है और आप ई e बुक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लेट एस स्टार्ट विद फर्स्ट फाइलम दैट इज कॉल्ड पोरीफेरा As you must be knowing that the word porifera represents pore-bearing. ऐसे organisms jinki body में pores होते they are called as porifers. In simple words, they can also be called as sponges, since they have lot of pores. सो दे कैन एम्बाइव अ लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ एयर इनमें पानी और एयर जो है एम्बाइव हो जाता है तो ये सॉलिन होते हैं जैसे कि आप नॉर्मल स्पॉन्ज के बारे में जानते होंगे जो सोप यूज़ करके सोप के साथ क्लीन करने के काम आता है बाथ स्पॉन्ज होता है जो मेट्रसिस में स्पॉन्ज रहता है तो वो लगभग वैसा ही स्पॉन्ज इनका ऑर्गेनिजम्स का शेप बनाता है और ये सारे ऑर्गेनिजम पोर बियरिंग यानी कि पोरीफर्स कहलाते हैं इन पोरीफर्स के कुछ खास बातें हैं जो बाकी फाइलम के साथ रिजेंबल भी करती हैं और कुछ डिफर भी करती हैं तो पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन फीचर्स की जो सारे किंगडम के अंदर सेम है आई I मीन mean हम अभी एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं पांच किंगडम्स में से और उस किंगडम के अंदर हमने पूरी तरह फाइलम की बात करना स्टार्ट किया डोंट कंफ्यूज विद बीन फाइलम्स एंड किंगडम्स इन द प्रीवियस वी वीडियो अबाउट किंगडम्स इनफैक्ट आंस्ट हकल जिनकी आ, बारे में हमने बात की थी हकल के बारे में उन्होंने ही इसको एक नेक्स्ट uh, लेवल पर लेकर आए थे एंड ही डिस्क्राइब्ड दिस एज एन इंडिपेंडेंट फाइलम इन द ग्रुप सो व्हाट आर द कॉमन फीचर्स यस दे आर यूकेर लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड थिंग दे आर मल्टी सेलुलर एंड थर्ड थिंग इज दैट दे आर हेट्रोट्रोफ्स दिस पोरिफर्स हैव a characteristic that they have pores in their body and they are commonly known as sponges we will talk about some of the common features common features or distinguishing features and we will also learn that how they have been classified so among the common features are that they are eukaryotes they have a true nucleus in their body they are multicellular ये बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं और ये सेल्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज रहती हैं दैट मीन्स देर आर वेराइटी ऑफ सेल्स विच कैन डू डिफरेंट फंक्शंस अलग अलग काम करती हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर हेट्रोट्रॉफ्स इसीलिए इनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया है सो दिस थ्री फीचर्स आर शेयर्ड विद ऑल अदर फाइलम्स बाकी जितने भी फाइलम हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कमिंग वीडियोज़ उन सारे फाइलम्स के साथ ये फीचर कॉमन होते हैं लेकिन अब हम बात करते हैं इनके डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर्स की तो कौन से फीचर्स हैं जो सिर्फ पोरीफर्स में ही मिलते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलेंगे सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच डिस्टिंग्विश दीज ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द टेक्सॉन्स और फाइलम्स फर्स्ट वन इज कैनाल सिस्टम पहला जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो इनको बाकी फाइलम से अलग बनाता है वो है कैनाल सिस्टम और टू बी मोर प्रिसाइज वाटर कैनाल सिस्टम जिसमें कि इनके पास एक यूनिक फीचर होता है जैसे पानी इनके अंदर जाता है पानी के साथ न्यूट्रिएंट जाते हैं और उस न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन होता है जैसे कैनाल सिस्टम रेगुलरली होता है इरिगेशन के लिए वैसे ही आप समझ सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक अपना कैनाल सिस्टम है इसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इसके अलावा कोई नर्वस सिस्टम नहीं है कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इतने सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो सारा काम इनका वाटर कैनाल सिस्टम से ही चलता है दूसरी बात ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं अगर आप थोड़ी सी नॉलेज डेवलपमेंटल बायोलॉजी की रखते हैं अगर नहीं है तो आप सब्सिक्वेंट वीडियोस में देख पाएंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वीडियोस में कि कैसे डेवलपमेंट होता है तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट होता है तो हम लोग अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन्स विच आर मच मोर कॉम्प्लेक्स कम्पेयर टू दीज ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन बनते हैं वो तीन लेयर से बनते हैं जिनको हम एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये केवल दो ही लेयर की सेल्स से बन पाते हैं एंड दैट्स वाई दे हैव बीन कैटेगराइज एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स तो ये दो बातें यहाँ पर क्लियर होती हैं आ, आपने इससे पहले देखा कि क्या कॉमन फीचर्स हैं बाकी सारे एनिमल्स के साथ ये क्या शेयर करते हैं और दूसरा आपने देखा कि इनमें क्या डिफ्रेंसेस होते हैं अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में देखेंगे कि जो टिपिकली पोरिफर्स होते हैं जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी बॉडी किस तरह की होती है इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं सो लेट मी डिस्क्राइब यू दैट ओके सो हेर इज़ अ कॉमन डायग्राम दैट इज डिपिक्टिंग द आउटलाइन बॉडी ऑफ अ टिपिकल स्पॉन्ज ऑल स्पॉन्जेस मे नॉट बी अ लाइक सारे स्पॉन्जेस एक जैसे नहीं हो सकते हैं बट टिपिकली हम कहें कि वो इस तरह के दिखते हैं वो हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दिस इज हाउ अ टिपिकल स्पॉन्ज बॉडी वुड लुक लाइक वन मोर थिंग यू कैन नोट डाउन हेयर आप एक चीज और यहां ध्यान रख सकते हैं अबाउट द स्पॉन्जेस दैट दे आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स दे आर नॉट एबल टू मूव दे आर नॉट एबल टू लोकोमोट दे आर जनरली अटैच टू अबस्ट्रेटम वो पानी में किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं एंड देर आर बोथ फ्रेश वाटर टाइप ऑफ एनिमल्स एज वेल एज मरीन ऑर्गेनिजम्स नाउ टू बी टू लुक एट मोर डिटेल्स ऑफ दिस अगर हम इसके और डिटेल्स को देखें वी नोटिस दैट दिस ऑर्गेनिजम्स विल हैव सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स इनकी बॉडी में एक एक्सटर्नल लेयर होती है और एक दूसरी सेल्स की लेयर होती है विच वी कैन कंसिडर एज द डाइजेस्टिव लेयर so we can divide these layers how I mean, layers could divide we can call this outer layer as uh, pinnacoderm and the middle layer as guanoderm. now rest of the things uh, they might be named like there can be one part larger opening has key this will be hollow part which can be called as osculum and there will be lot of cells inside this which will be called as ostia cells ये जो क्वानोडम जिन सेल्स की बनी है इनको हम क्वेनोसाइट्स कहते हैं एंड एंटायर अंडर दिस एंटायर क्विनोडम यू विल हैव द फ्लो ऑफ वाटर विच विल बी कॉल्ड एज वाटर कैनाल सिस्टम तो जिसकी मैं बात कर रहा था वाटर कैनाल सिस्टम की वो इसी क्विनोडम के अंदर होगा And because these cells are distant, they have a lot of gaps in between, this in organisms, mein kya develop jate pores develop jate and those pores are basically representing the characteristic of this phyla which, uh, which gives its name Porifera. So, uh, in this particular organism, this organism or as I told you, that they do not have any nervous or digestive or any other complex kind of system, but all the body processes, all the physiological processes, they are covered by these two layers alone. Any two layers are covered. Some of the organisms, कुछ organism हैं जो specialized चीजें इनमें कुछ और होती हैं जैसे कि इनमें कुछ spicules हो सकते हैं कभी-कभी. Spicules -कभी। means आ, आप कह सकते हैं कि कुछ uh, spine-like objects, spine-like cells, and they are often made up of either calcium, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकन तो सिलिकन और कैल्शियम के स्पीक्यूल्स इनके अंदर करेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होते हैं विच गिव दम अ करेक्टरिस्टिक फीचर और यू कैन से अ करेक्टरिस्टिक अपेयरेंस इनको एक करेक्टरिस्टिक अपेयरेंस देते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प दम इन प्रोटेक्शन एंड एडेशन टू दी सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट उस सबस्ट्रेट में अटैचमेंट में मदद करते हैं सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल पोरीफर और अ पोरीफर एन ऑर्गैनिज्म एंड डेफिनेटली दे आर वेरी सॉफ्ट यू कैन प्रेस दैम जब आप उनको प्रेस करेंगे तो स्पॉन्ज की तरह इनमें से पानी निकल जाएगा बट स्टिल दे आर एनिमल बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफ नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पोरीफर तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें कि इनकी क्या टाइप्स uh, होते हैं इनकी क्या क्लासिफिकेशन uh, इनका कैसे किया जा सकता है तो अभी हम फाइलम लेवल पर बात कर रहे हैं फाइलम के बाद आपको पता है कि अगला टेक्सॉन क्लास होता है तो पूरे पोरीफेरा को हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं अगेन बेस्ड ऑन टू टाइप ऑफ थिंग्स दो चीजों के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं एक कि इसमें किस तरह के स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं होते भी हैं या नहीं भी होते हैं और दूसरा इनका वाटर कैनल सिस्टम कैसा होता है सो फाइलम पोरे फेरा इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन क्लासेस वन इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट एनलीडा another one is called as calcarea and third one is called as demospongia now how do they differ from each other these differ in the, in the in the arrangement of the cells in the type of water canal system and in the presence of the spicules so the spicules that i was talking in the previous uh, slide that was either made up of calcium or silicon so spicule containing पोरिफर्स जिनके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं वो स्पिक्यूल्स वाले कैल्सेरिया फैमिली के अंदर कैल्सेरिया क्लास के अंदर आते हैं एग्जैक्टा को हम ग्लास स्पॉन्जेस भी कहते हैं क्योंकि इनकी ग्लास लाइक अपियरेंस होती है और डेमोस्पॉन्जिया जो है दे आर कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस विद द कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम सो लेट मी जस्ट टेल यू सम कॉमन नेम्स और एग्जाम्पल्स ऑफ दीज क्लासेस इनकी क्लासेस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगा so th there are some examples like in this category you have a very popular example which is a marine sponge called as cypha cypha which is a small size which centimeters 8 centimeter 10 brown color sponge which is cypha that belongs to calceria and uh, there are some examples like leucon these are other type of sponges which are found in oceans so थिंग्स टू रिमेंबर्ड कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है पोरीफर्स के बारे में कि ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ससाइल होते हैं मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं केवल दो ही लेयर्स से इनका पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और ये जो है ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है जो भी इनका बॉडीली प्रोसेस हैं वो उन दो लेयर से ही कैरी आउट होते हैं इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक स्पेशलाइज सेल की जिसकी हम बात कर रहे थे उसके बारे में भी देखेंगे इनमें एक स्पेशलाइज सेल होती हैं जिसको हम कोएनोसाइट्स बोलते हैं ये कोएनोसाइट्स पोरिफर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इन्हीं के थ्रू इनमें न्यूट्रिशन जाता है इनमें वाटर जाता है और इनके फ्लैजिला के लगातार मूवमेंट से ये वाटर को ड्रिफ्ट कर सकते हैं सो दिस वाटर कंटिन्यूसली कीप ऑन ड्रिफ्टिंग एंड दीज सेल्स ऑल टूगेदर दे गिव राइज टू मूवमेंट ऑफ द वाटर विच गि राइज टू वाटर कैनल सिस्टम नॉ फाइनली अब हम फाइनली बात करते हैं कि ये जो आ, सारे ऑर्गेनिजम्स हैं पोरीफर्स ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इनकी क्या है सो फॉर द हिस्टोरिकल टाइम्स दीज पोरीफर्स हैव बीन यूज इन बाथ स्पॉन्जेस इनके बाथ स्पॉन्ज बनाए जाते थे Uh, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे मेडिसिन भी निकाली जाती हैं कुछ स्पॉन्जेज हैं जिनके केमिकल कंपाउंड्स यूजफुल होते हैं टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस बट एज सच स्पॉन्जेस हैव नॉट बीन फाउंड टू कॉज एनी डिजीज पैथोजेनिक नहीं होते हैं अनलाइक बैक्टीरिया एंड अनलाइक एनी अदर क्लास सो दिस इज़ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस ट मी आस्क यू अनादर ग्रुप विच इज वेरी कॉमन टू दिस जो इसके इसके साथ ही मिलता जुलता है जिसमें जेली फिश आती है जिसमें आप हाइड्रा देखते हैं दैट इज कॉल्ड्रेट सो लेट मी आस्क यू दैट वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिलेंट्रेट एंड अ पोरिफर अगर आप एक ओशन में जेलीफिश को देखते हैं और एक स्पॉन्ज को देखते हैं कैसे उनकी टेक्सोनॉमिक पोजिशन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिलेंट्रेट्स में सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक थर्मोडाइनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती है सिस्टम और सराउंडिंग की कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद अकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएं। वेलकम बैक टू वैश्व एकेडमी। वी डिस्कसिंग अबाउट बेसिक टेक्सोनिक ग्रुप्स ऑफ द फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम हमने अब तक पोरीफेरा का डिस्कशन किया और ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक दूसरा ग्रुप होता है जो इससे थोड़ा सा एडवांस है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा उसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप सिलेंट्रेट को कैसे आप डिफेंशिएट करेंगे पोरीफेरा से एंड वाई दे आर कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स आखिर उनको सिलेंट्रेट क्यों कहते हैं और उनको नाइडेरिया क्यों कहते हैं इस बात का कोई आंसर होगा सर्टनली द नेम सिलेंट्रेटा हेज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मींसूम मीन्स एम टी और हॉलो इंटस्टाइन सो दीज आर दर्गेनिजम्स मच लाइक Porifers, porifers से कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इनमें जैसे कि ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दीज आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक यानी कि दो लेयर्स के बने होते हैं ये दे ऑल्सो डोंट हैव वेरी मच स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम मीन्स इनमें सेल्स तो बहुत सारी होती हैं मल्टी सेलुलर तो ये है जस्ट लाइक पोरीफर्स लेकिन इनमें भी ऑर्गन लेवल का आर्किटेक्चर नहीं होता है जो सारी सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं हालांकि एक दूसरे के बीच में सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है जो इनके बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में काम आते हैं तो दूसरा पॉइंट जो हम कह सकते हैं इनके बारे में सो दे हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट स्टिल हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो एसिलोमेट इनमें भी सिलोम नहीं होती है ये भी एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है सो यू कैन स्टिल से दीज आर कॉमन फीचर्स कॉमन विद वॉट कॉमन विद पोरिफर्स पोरिफर्स के तरह इनके अंदर भी ये तीनों फीचर्स होते हैं जो कि दोनों में कॉमन है लेकिन अब हम बात करते हैं कि वट फीचर्स मेक दीज थिंग्स डिफरेंट देन पोरिफर्स क्या चीजें इनको पोरिफर्स से अलग बनाती हैं जो चीजें इनको पोरेफर्स से अलग बनाती हैं विच वी कैन कॉल एज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स द फर्स्ट थिंग दैट इंक्लूड इज प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट इनमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं विच माइट हैव पॉइजन समटाइम दैट माइट बी यूज टू इनएक्टिवेट और किल द प्रे जो अपने प्रे को मारने के काम आते हैं स्टिंगिंग सेल्स इनमें होती हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनमें से बहुत सारे एनिमल्स दो तरह की लाइफ फॉर्म्स फॉलो करते हैं एक सेसाइल और दूसरी मोबाइल या लोकोमेटरी फॉर्म मीन्स अपनी जिंदगी के कुछ समय ये ऐसी जगह बैठ कर रुक कर स्पेंड करते हैं जैसे कि पूरीफर्स दे गेट अटैच टू अ सबस्ट्रेटम एक सबस्ट्रेटम पर जाकर अटैच हो जाते हैं और इनके जो इस तरह के टेंटकल्स या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसे ये अपना फूड गैदर करते हैं लेकिन एक दूसरी फॉर्म भी इनकी होती है जिसमें ये मोबाइल होते हैं और उस टाइम पर ये एक अम्ब्रेला टाइप का शेप एक्वायर करते हैं दे टेक एन अम्ब्रेला लाइक शेप एंड दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग So to make you more familiar with these groups of animals, I will show you some pictures. मैं आपको कुछ pictures दिखाना चाहूँगा जिससे कि आप aware हो जाएंगे कि animals actually कैसे दिखते हैं Majority of these animals are मरीन बट नॉट ऑल सो आई कैन से ऑल ऑफ देम आर एक्वाटिक बट नॉट मरीन यानी कि पानी में सारे होते हैं लेकिन <laughs> आ, खारे पानी में यानी कि सॉल्टी वाटर में मिलने वाले मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स होते हैं सो दैट इज

और अगर आप देखेंगे सो दीज आर डेड स्केलेटन्स ऑफ कोरल्स ये कोरल्स की ही डेड स्केलेटन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है इनफैक्ट इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा कोरल रीफ है इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द ग्लोब फिच कैन इवन बी सीन फ्रॉम द स्काइज जो स्पेस से भी देखा जा सकता है सो वी हैव लार्ज एरिया विच इज़ अ हाईली बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया जिसमें कोरल्स होते हैं एंड ऑल दीज कोरल्स बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलम सिलेंट्रेट्स. बिसाइड कोरल्स यू हैव ऑल्सो सीन आपने कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी ओशंस में वीडियोज में पिक्चर्स में देखे होंगे एंड दीज आर पॉपुलरली कॉल्ड एज जेली फिश जेली फिश हैव लॉट ऑफ टेंटिकल्स एंड दे हैवे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये सीलेंट्रेट्स दो तरह की फॉर्म्स में रहते हैं एक ससाइल यानी कि जमीन से जुड़े हुए फॉर्म्स और दूसरा लाइफ फॉर्म इनका अम्ब्रेला जैसा होता है जिसमें कि ये मूव कर सकते हैं सो जेली फिश इज़ वन ऑफ द मोबाइल फॉर्म ऑफ द सिलेंट्रेट्स एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसकी भी बहुत कमर्शियल इंपॉर्टेंस है अगर आपने कभी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी या जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको एक वर्ड आया होगा ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन अक्सर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते समय कुछ प्रोटीन्स को टैग करते हैं और उन प्रोटीन को टैग करने के लिए हमें एक फ्लोरोफोर या फ्लोरसिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो फाइसेलिया नाम की एक जेलीफिश से पहली बार जापान में वो ग्रीन फ्लोरसेंट प्रोटीन निकाला गया था और उसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था सो दैट इज़ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स बट बी वेरी कॉशियस आपको इनसे थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा जब आप ओशंस में इनको देखने जाएं, बिकॉज दीज डेडली पॉइजन्स इन देयर टेंटिकल्स इनके टेंटिकल्स में डेडली पॉइजन्स भी होते हैं आप इन जेली फिश को एक मूवी के थ्रू भी देख सकते हैं दे दे कीप ऑन मूविंग विद द हेल्प ऑफ देयर टेंटिकल्स वो अपने टेंटिकल्स की मदद से मूव भी कर सकती हैं जस्ट डिस्क्राइब यू दी ओवरऑल स्ट्रक्चर अब मैं इनका स्ट्रक्चर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा फिर हम इनके क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि इन ऑर्गेनिज्म में एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि चाहे वो ससाइल हो ससाइल का मतलब है कि वो अटैच फॉर्म में भी हो सकते हैं दे कैन बी अटैच टू सबस्ट्रेटम सो इवन इफ दे आर अटैच टू दबस्ट्रेटम They will always be represented by a deployed layer दो layers होती हैं एक layer जो है इनकी exoderm कहलाती है जो बाहर की तरफ है या ectoderm भी बोल सकते हैं उसको और दूसरी लेयर जो इनर लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डाइजेस्टिव लेयर होती है इन सेल्स का काम होता है मेनली बाहर के फूड को लाकर डाइजेस्ट करना सो दिस इज also कॉल्ड एस gastrodermis वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं इसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रा आपने हाइड्रा का नाम सुना होगा हाइड्रा की खास बात क्या होती है कि अगर आप हाइड्रा को कई सारे पीसेस में भी ब्रेक कर दें इवन इफ यू ब्रेक दिस टू पीसेस यहाँ से कट कर दें यहाँ से कट कर दें यहाँ से कट कर दें सो ईच ऑफ दिस पार्ट्स कैन एक्चुअली डेवलप इन टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सो दैट इनॉर्मस एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन रीजनरेट करने की बहुत ज्यादा जो एबिलिटी होती है दैट इज ऑल्सो अनदर प्राइम फीचर ऑफ दिस दीज सिलो कमिंग टू दी लास्ट पार्ट दैट इज नीडोसाइड्स और स्टिजिंग सेल्स ईच ऑफ देम हैव गॉट अ स्पेशाइज टाइप ऑफ सेल्स इनमें एक स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट Or, as I told you, stinging cells. So these stinging cells will have a specific type of poison in them which will be stimulated by a touch of foreign body. foreign body And then they release those poisons which help them to kill the prey. And their prey is basically uh, zooflazolates kuch. छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं कुछ छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं सो दे आर नॉट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन वेजिटेशन बट दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्मॉल एनिमल्स छोटे एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं एंड मोस्ट ऑफ दैम विल हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल इनकी एक कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल होती है जिसमें ये ससाइल फॉर्म से लेटर से दिस इज़ अ ससाइल फॉर्म जो कि किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड है दिस विल ब्रेक डाउन एंड दिस विल इमर्ज इन टू अनदर फॉर्म विद टेंटकल्स टेंटकल वाली फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकती है सो दिस बी कॉल्ड एज मेडुसा फॉर्म इस फॉर्म को हम मेडुसा फॉर्म कहते हैं और जो अटैच फॉर्म होती है इसको हम पॉलिप फॉर्म कहते हैं राइट right? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सिलेंट्रेट्स के जो कि नोन है वाइडली नोन है जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर पहले अभी दिया था आपने वीडियो में भी देखा था जेलीफिश जेलीफिश एक जनरल नेम है देर कैन बी वराइटी ऑफ फिश बट अगेन आपको यह ध्यान रखना होगा कि फिश यहाँ पर एक मिसनोमर है ये फिश नहीं है रियालिटी में बिकॉज वी क्लासीफाई फिश एज कॉर्ड एट्स सो दिस इज असनोमर जेली फिश विल हैव अ ट्रांसपेरेंट बॉडी कवरिंग ओवर इट एंड अ लॉट ऑफ टेंटिकल्स दे कैन बी सेवरल मीटर्स लार्ज कभी कभी बहुत बड़ी जेली फिश भी होती है एंड दे आर बेसिकली इन द मेडुसा फॉर्म ये मेडुसा फॉर्म में होती है हाइड्रा एज एन अनदर एग्जाम्पल हाइड्रा एक दूसरा एग्जाम्पल है ऐसे ही एक जेलीफिश और भी होती है जेलीफिश का एक टाइप कह सकते हो आप एक एग्जाम्पल कह सकते हो ओबेलिया देर इज ऑल्सो अनदर क्लास ऑफ सिलेंट्रेट्स वन इज कॉल्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर is इज a वेरी पॉपुलर example. एंड देन वी have plenty ऑफ corals. बहुत सारे कोरल्स हैं जो कि इसका एग्जांपल होते हैं तो कोरल भी सिलेंट्रेट ग्रुप के अंदर ही आते हैं नाउ हिव लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स अगर हम इनका क्लासिफिकेशन की बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन का डिस्कशन करें तो सिलेंट्रेट्स को फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है सिलेंट्रेट वॉज द ओल्डर नेम बजिंग सेल्स बीन गिवन एज नाइडेरिया देव बीन डिवाइडेड इंटू थ्री मेन क्लासेस तीन मेन क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है एक कहलाती है साइफोजोआ एक हाइड्रोजोआ

कई कोरल्स तो 20 से लेकर 80 मीटर तक की डेफ पर भी प्रेजेंट होते हैं एंड आल्सो कंटेन सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मेट्रीडियम नाउ बिफोर वी कंक्लूड दिस टॉपिक इस टॉपिक को हम कंक्लूड करें लेट मी आल्सो टेल यू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल्स एंड दीज नाइडेरियंस नाइडेरियंस हमारे लिए भले ही डायरेक्टली यूज के ना हो ये इस तरह के सिलेंट्रेट्स हमारे लिए डायरेक्ट को यूज के ना हो लेकिन इन पर बहुत सी रिसर्च की गई हैं और इनमें से बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड नॉट ओनली दिस दे आर वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ओशन इकोसिस्टम ओशन का जो इकोसिस्टम है उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्योंकि कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है तो एनवायरनमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सिक्वेस्टर करने का काम करते हैं यानी कि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट हैं उसको कम करने में कही नहीं कहीं ना कहीं इनका रोल हो सकता है ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बना देते हैं और वो कार्बोनेट ज़मीन के अंदर या समुद्र के अंदर जो है स्टोर हो जाता है लेकिन रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि ड्यू टू लॉट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी लॉट ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ओशंस इनमें बहुत सीवियर लॉस हुआ है कोरल्स अक्रॉस द ग्लोब आर थ्रेटेंड अडेज़ सो लॉट ऑफ रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड बहुत सारे रिस्टोरेशन प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं इनफैक्ट फैक्ट कोरल्स को आप ओशन से लेकर अपने घर नहीं ला सकते हैं इट इज़ एन ऑफेंस इट इज़ अ क्राइम बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ सो यू हैव टू बी केयरफुल बींग अ जुलॉजी स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और इनको कंजर्व करना कितना ज़रूरी है इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारी नर्सरीज बहुत सारे तरीके डेवलप किए जा रहे हैं ताकि कोरल को रिस्टोर किया जा सके इंडिया में भी अंडमान निकोबार आइलैंड और जो रामेश्वरम का एरिया है चेन्नई के साउथ में मदुरई के साउथ में वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ कोरल डेवलप किए जाते हैं उनका रिस्टोरेशन किया जाता है सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन टू इम्पॉर्टेंट फाइला ऑफ एनिमल किंगडम दो इंपॉर्टेंट फाइला हमने देखे पहला पुरीफेरा और दूसरा सिलेंट्रेटा पुरीफेरा वर पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स सिलेंट्रेटा वर प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स विद डिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन दोनों में कॉमन बातें क्या थी कि दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, दोनों ही इस एस, सिलोमेट हैं, दोनों ही एक्वाटिक हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि किस दे आर स्पॉन्जेस एंड दे बेयर स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज क्वेनोसाइड्स दे अदर हैंड दूसरी तरफ सिलेंट्रेट्स में कोई वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है लेकिन उनमें स्पेशलाइज टाइप की स्टिंजिंग सेल्स हैं जिन्हें हम निडोब्लास्ट कहते हैं उन्हीं के नाम पर इनको नाइडेरिया भी कहा गया है दोनों की अपनी एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस है सिलेंट्रेट्स जहाँ एन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो थ्रेटेंड है वहीं दूसरी तरफ जो पोरिफर्स हैं दे आर हैविंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज वेल उनको ग्रो भी किया जाता है एंड दे ऑल्सो है कमर्शलाइज सो देट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और डेफ तक पढ़ना चाहते हैं सो एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है और आप ई e बुक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक uh, जो है वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो एंड टू नॉट फॉगेट टू प्रेस द बेल आइकन एट द बॉटम विल बी बैक विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वेरी सुन All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.